जी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 से। ये है वाई इज इक्वल टू 4x + 3 की पावर 4 और x + n की पावर -3। तो सबसे पहले इसका पहला स्टेप करते हैं, 4x + 3 की पावर 4 डिवाइड बाई x + 1 की पावर 3। जी अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx 4x + 3 की पावर 4 ओवर x + 1 की पावर 3। ये मेरा बन जाता है, देखें इस पर यू ओवर वी वाला फार्मूला लगेगा जो कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इस फार्मूले के मुताबिक वी पहले आएगा यानी x + 1 का क्यूब पहले और यू के डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे 4x + 3 की पावर 4, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर पहले, 4 पावर पहले। चले हम d/dx ही लिख देते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती इस तरह से दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी तरह माइनस यू एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव माइनस वी एज इट इज़ यानी 4x + 3 की पावर 4 एज इट इज़ और वी यू का डेरिवेटिव, सॉरी वी एज इट इज़ यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज़ और वी का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d/dx x + 1 क्यूब और बटे के नीचे क्या आता है आपको पता ही है, x + 1 जो क्यूब है ना इसका हम लेंगे स्क्वायर, वी का स्क्वायर। जी तो ये मेरे पास देखें बन रहा है x + 1 क्यूब, तो एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो बन रहा है 4x + 3 की पावर 3। एक डिग्री हो जाएगा, अब फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो ये साथ में 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4 ही आएगा। इसी तरह माइनस यहाँ पर भी देख लें, 4x + 3 की पावर जो 4 है वो तो एज इट इज़ यानी है और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x + 1 की पावर 2 रह जाएगा और x + 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही आएगा और ये डिवाइड बाई x + 1 की पावर 6, ये बटा है जो कि फुल रकम के नीचे है। तो यहाँ पर देखें, अभी सबसे पहले हम ये करते हैं कि कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन है x + 1 स्क्वायर और ऊपर है 4x + 3 का क्यूब, तो हम कॉमन लेंगे ऊपर से। देखें यहाँ पर ये इसका क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये लेंगे कॉमन हम 4x + 3 का, इधर क्यूब है और इधर पावर 4 है तो क्यूब कॉमन ले लेंगे जी। और अंदर हमारे पास रह जाएगा बटे के नीचे हमारे पास क्या है, x + 1 की पावर 6। जी ये फुल बटे के नीचे थी जी। अब इसमें से भी हमने ये दो चीज़ें कॉमन ले ली और इसमें भी ये दो चीज़ें कॉमन ले ली। इसमें देखें x + 1 क्यूब था, स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास बच गया x + 1। इसी तरह ये देखें, ये क्यूब था तो क्यूब भी हमने कॉमन ले लिया और ये 4 होगा 16, तो ये भी साथ में आएगा। इस तरह माइनस ये देखें, 4x + 3 का पावर 4 थी, 3 हमने बाहर निकाल ली तो एक अंदर रहेगी। इस तरह ये देखें, x + 1 का स्क्वायर था, स्क्वायर ही बाहर निकाल लिया, साथ में 3 है तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 2 है तो 2 2 से काट देंगे तो पीछे हमारे पास जो बटे के नीचे पावर रह जाएगी वो 4 रह जाएगी। कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 16x + 16 - 12x - 9। जी तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, इसको अगर हम रफली सॉल्व करें तो, या रफली सॉल्व नहीं करते, इधर डायरेक्ट ही करते हैं, जी तो ये मेरा बन रहा है 4x - 16x - 12x, तो ये 4x बन रहा है और +16 - 9 तो ये +7 बन रहा है। बटे के नीचे मेरे पास आ रहा है x + 1 की पावर 4 जी। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसी तरह ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लें। तो ये आ जाएगा x² - 5x की पावर 6 डिवाइड बाई 2x - 5, ठीक है। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या फार्मूला बताया था हमने, u और v वाला, तो v एज इट इज़, 2x - 5 एज इट इज़ और ऊपर वाले का u का डेरिवेटिव, तो d/dx
एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स पावर सिक्स इसका डेरिवेटिव, और फिर माइनस, और फिर ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स पावर सिक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स टू एक्स माइनस फाइव, और इस सब को डिवाइड कर देना है नीचे वाले के स्क्वायर से। फिर से सुन लीजिए, हमारे पास यू और वी का फार्मूला बन रहा है, तो वी एज इट इज़ और यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज़ और वी का डेरिवेटिव और डिवाइड बाई वी के स्क्वायर से। अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये टू एक्स माइनस फाइव, इसका डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की पावर फाइव, पावर में से डिक्रीज कर दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स यानी फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा टू एक्स, और माइनस फाइव का डेरिवेटिव लेंगे तो फाइव, फंक्शन का डेरिवेटिव हमने दोबारा लिया तो ये टू एक्स माइनस फाइव आ गया। इस तरह ये माइनस, और यहाँ पर देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की पावर सिक्स, और टू एक्स माइनस फाइव का डेरिवेटिव लिया हमने तो ये हमारे पास आ गया टू, और ये डिवाइड हम इसको कर रहे हैं टू एक्स माइनस फाइव के स्क्वायर से जी। तो यहाँ पर अभी देखें आप, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सिक्स इंटू टू एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स के फाइव पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की पावर सिक्स और साथ में टू, और साथ में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं टू एक्स माइनस फाइव की स्क्वायर से जी। अभी ऊपर से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की पावर जो है फाइव, तो ये हम ले लेते हैं कॉमन। ये यहाँ पर हम काम करते हैं, कॉमन लेने का फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन लेने के बाद ये नीचे वाले से वैल्यू ऊपर वाली कटेगी तो है नहीं, तो हम सिंपल करते हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और माइनस ये दूसरी वैल्यू है, हम दोनों वैल्यूज़ को नीचे सेपरेट करके ये चीज़ रख लेते हैं। तो पहली वैल्यू थी हमारे पास सिक्स इंटू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का पावर फाइव और साथ में टू एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, पहली वैल्यू ये थी, इसके नीचे भी हमने लिख लिया टू एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर और दरमियान में माइनस, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स पावर सिक्स और इसके नीचे भी हमने लिख लिया टू एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर जी। अब तो यहाँ पर देखें ये इसे कट गया, तो पीछे हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की पावर फाइव माइनस टू टू और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की पावर सिक्स और टू एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर जी। तो ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर जी। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी बिल्कुल इजी है, एच एफ एक्स इजिकल टू एक्स टेन टू एक्स प्लस सेवन, तो यहाँ पर हमने लिखना है, लेना है इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसको एच एफ एक्स को सिंपल एच भी लिख सकते हैं, तो डी एच ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं हम इसको, या हम इसको एच प्राइम भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखें, चलिए हम एच प्राइम लिख लेते हैं ठीक है, तो ये ज़रा ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा। एच प्राइम इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स टेन टू स्केयर रूट एक्स इसके एंगल में प्लस सेवन, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी एक्स का ये भी एक्स का, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, और साथ में प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और प्लस सेवन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये देखें आ जाएगा एक्स, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का सीकेंट स्केयर, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर टू एक्स। अब टू स्केयर रूट एक्स का डेरिवेटिव भी हमने लेना होता है, एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेना है, जब टू स्केयर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर देखें टू स्केयर रूट एक्स यानी टू एक्स की पावर वन बाई टू, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो टू तो कॉन्स्टेंट एज इट इज साथ आ जाएगा, और एक्स की पावर वन बाई टू का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा पावर पहले, और x की पावर में से एक डिक्रीज तो वन बाई टू माइनस वन करेंगे तो माइनस वन बाई टू आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकेंगे टू टू से कट गया, और वन ओवर x की पावर वन बाई टू यानी इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर स्केयर रूट x, यानी जब हम टू x की पावर वन ओवर टू यानी टू x टू स्केयर रूट x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखिए हमने आपके सामने हल किया है तो ये वन ओवर स्केयर रूट x बन चुका है, तो इसकी जगह हम साथ में इसका डेरिवेटिव है वन ओवर स्केयर रूट x ये भी पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पर देखें टेन टू स्केयर रूट एक्स और एक्स का डेरिवेटिव तो वन ही होता है जी।
यहाँ पर एक और चीज़ भी है, देखें यहाँ पर ऊपर एक्स है और नीचे स्क्वेयर रूट एक्स है, तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2 साथ में सीकेंट स्क्वेयर 2 स्क्वेयर रूट एक्स और प्लस 10 2 स्क्वेयर रूट एक्स। जी देखें एक्स की पावर 1/2 है और ऊपर एक्स की पावर 1 है, तो जब एक्स नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर बन जाएगी 1 - 1/2, यानी 1 - 1/2 होती है 1/2, तो एक्स की पावर रहेगी 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वेयर रूट इस सारे को, और साथ में सीकेंट स्क्वेयर 2x प्लस ये इसके एंगल में है 10 2x, ये भी इसके एंगल में है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का आ गया सोल्यूशन। जी तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम k प्राइम लेंगे तो ये आ जाएगा d/dx एक्स स्क्वेयर सीकेंट 1/x। जी तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरीवेशन प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट की डेरीवेशन। तो फर्स्ट एज इट इज़ सीकेंड की डेरीवेशन क्या होती है, सीकेंड की डेरीवेशन होती है सीकेंट और टेन, यानी सीकेंट थीटा की डेरीवेशन होती है सीकेंट थीटा टेन थीटा, मतलब सीकेंट थीटा की डेरीवेशन लेंगे तो सीकेंट थीटा दोबारा आ जाएगा और साथ में टेन थीटा भी आ जाएगा, ठीक है, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे। तो 1/x का डेरिवेटिव आपको पता क्या होता है, 1/x हम बेसिकली बोलते हैं x की पावर -1 को, तो इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास -1/x2, तो इसके डेरिवेटिव से भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/x2, इसका डेरिवेटिव आप ले सकते हैं वो यही आएगा। इस तरह प्लस यहाँ पर देखें सीकेंट 1/x एज इट इज और 2x2 का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2x, तो यहाँ पर देखें ये चूंकि इसके एंगल में तो नहीं है तो ये ऐसे कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा -sec(1/x) tan(1/x) प्लस 2x sec(1/x)। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 32 का। इसमें से अगर आप फॉर एग्जांपल sec(1/x) कॉमन भी लेना चाहते हैं तो पीछे क्या बात जाएगा, ये प्लस वाली रकम है ये पहले लिख लेते हैं 2x माइनस, ये माइनस वाली है तो tan(1/x), ये स्टेप भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कर लिए कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 29 टू 32।